सभी साथियों को नमस्कार। और जन सरोकार मंच का एक नियमित कार्यक्रम होता है जिसके तहत महत्वपूर्ण कलाकार, कवियों और साहित्य से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति है उनको यहाँ पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है। और आज हमारे साथ में इस समय की जो कविता के या 21वीं सदी की कविता के बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर कवि महेश वर्मा जी हमारे साथ में हैं। मैं आपको ज्यादा तो उनका आप सभी इससे महेश जी की कविताओं से सभी परिचित हैं। मुझे ये लगता है कि जो शायद वो कहीं कहीं उनसे गुजरे होंगे। और मैं मेरा जो व्यक्तिगत जो अनुभव बता रहा हूँ कि मैं उनकी कविताओं को मैं पहले पढ़ता आया था, लेकिन 2018 के परिचय में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 2018 में जब मैं इनका पहला कविता संग्रह पढ़ रहा था तो बहुत कविता संग्रह को पढ़कर मुझे बहुत बेहद एक ऐसा एक जो कवि ज्यादातर कविताओं को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कविता संग्रह से कभी कभी बहुत ज्यादा निराश होता हूँ, लेकिन महेश जी की कविताओं ने मुझे इस तरह से प्रभावित किया कि मैं उस कविता संग्रह को मैं बार बार पढ़ता रहा। महेश वर्मा कवि और चित्रकार, लेखक, अनुवादक और उनकी कविताओं के अनुवाद विभिन्न भाषाओं में होते रहे हैं। इसके अलावा उनकी पेंटिंग में गहरी रुचि है। तो आज हम उनकी कविता और कविता के साथ में उनकी जो कविता की यात्रा और जीवन यात्रा के बारे में बातचीत करेंगे। महेश जी नमस्कार। नमस्कार अमर, कैसे हैं? बढ़िया, नमस्कार। अच्छे हैं। हाँ मैं अच्छा हूँ सर। मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपका जो जीवन जैसे शुरू होता है, बचपन कैसे शुरू होता है, उसके बारे में मैं आप थोड़ी बहुत जानकारी आपके बारे में पढ़ रहा था। तो मुझे एक मोनिका कुमार जी जो हमारे समय की महत्वपूर्ण कवयित्री है, उनका एक इंटरव्यू पढ़ते हुए मुझे एक बेसिक जानकारी ये मिली कि आपका जो जीवन जैसे शुरू होता है कि आप छत्तीसगढ़ पहले, तो वो तो मुझे ही पता है कि लेकिन लोग अंबिकापुर से आते हो, लेकिन उसके बाद बहुत शुरू शुरू के वर्षों में आप स्कूल नहीं जाते थे और 8 साल में आप स्कूल के प्रति, पिताजी तो आपके ये चाहते थे कि आप स्कूल नहीं जाए, डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा दे, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी इच्छा जगी अचानक से कि जैसे कि औरों की माओ के पास में आप घरों में आस पास के पड़ोस में जाते थे तो वो कहते थे कि बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा जो प्रारंभिक अनुभव था तो उनके बारे में आप बताओ थोड़ा। वो दरअसल ना इसके पीछे सपना है। मतलब जी मैं सपना देखने लगा स्कूल जाने के, हाँ और मैं जब सोता तो ऐसे सपने देखता कि मुझे स्कूल जाना है, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, कोई मुझे जाने नहीं दे रहा है, या स्कूल में ऐसे पढ़ाई होती है। तो वो उस सपना का बहुत बड़ा योगदान रहा, उस सपने का। और ये भी होता था कि जब जाता था दोस्तों के घर तो उनकी माएँ कहती थी कि तुमको तो पढ़ना लिखना है नहीं, हमारे बच्चे को स्कूल जाना होता है, होमवर्क करना होता है। तो मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल ही नकारा आदमी हूँ यार। तो मैंने जिद करनी शुरू की कि मुझे भी स्कूल जाना है। तो फिर और मेरी बहनों को भी ये चिंता थी कि अनपढ़ ना रह जाए उनका भाई। तो उन लोगों ने भी पिताजी को कहा कि ऐसे बोर्ड वाला नहीं चलेगा। और दोनों चीजों का रहा कि एक तो जो दोस्त लोग कहते थे और जो मैं सपने में देखता था, स्कूल के सपने देखने लगा बार बार, उसके कारण है मामला था। लेकिन पिताजी टीचर थे ना, तो वो चाहते थे कि स्कूल का जो फॉर्मल दबाव है वो मत रहे और बच्चा स्वतंत्र खेले, बड़ा हो, इस ढंग की बात। हाँ ये मुझे एक बात आपसे जाननी थी कि जैसे कि आपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया तो आपकी पढ़ाई लिखाई बाद में कहाँ पर हुई जैसे। वो घर के पास ही एक स्कूल था, शिशु मंदिर, तो वो सुविधाजनक था क्योंकि कोई भी जाकर ले आ जा सकता था और वहां पहुंचा सकता था, इसलिए मैं वहां पढ़ने लगा। हिंदी मीडियम का स्कूल था, हिंदी मीडियम से ही हुई है मेरी पूरी पढ़ाई। फिर उसके बाद कॉलेज भी यहीं किया, अंबिकापुर में ही, स्कूल भी यहीं किया। मुख्य ये है ना कि मैं सपना देखता था, स्कूल जाने के सपने देखता था, तो बड़ा और उठ जाता था रात को सोकर स्कूल जाना है, और स्कूल के बारे में कुछ बोलने लगता था उठकर। तो माँ ने कहा कि इसका दिमाग ना खराब हो जाए कहीं सब स्कूल के चक्कर में। तो ये हुआ। हुआ एक बात है जैसे कि आपने वहां ग्रेजुएशन भी आपने वहीं से की, हाँ, मतलब मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब इधर ही किया है, अंबिकापुर में ही किया है। ये 2-2.5 लाख की आबादी का एक कस्बा है छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ में। तो बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन है, स्कूल और कॉलेज है।
तो हिंदी मीडियम की पढ़ाई हुई है मेरी, यही किया है मैंने सब कुछ, पढ़ाई है। कविता में आपका कैसे आना शुरू हुआ? जैसे कि आपका प्रारंभिक जो कविता का अनुभव है वो कैसा रहा कि भैया आपको अचानक से ये कभी ऐसा एक टाइम आता है कवि के जीवन में कि मुझे कविता ही लिखनी चाहिए, तो पहली बार ये जो अनुभव पहली बार जब आपको महसूस हुआ कि मुझे कविता के क्षेत्र में आ जाना चाहिए, तो ये कैसे कब कब की बात है? देखिए, कविता के क्षेत्र में आना है ऐसा कोई सायास नहीं था कि मुझे कविता लिखनी है, क्योंकि मैं बचपन से चित्र बनाता आया हूँ। तो मुझे, जो मेरा कस्बा है वहाँ, मुझको यही जाना जाता है कि ये चित्र बनाता था और बाद में ये लिखने भी लगा। तो ये दरअसल मेरे भाई की वजह से हुआ। जो मेरे बड़े भाई हैं वो बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं, अभी भी हैं, उन्होंने कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, और पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थी। बिल्कुल तो उनकी वजह से घर में एक लाइब्रेरी जैसी थी। ये अभी मैं उनके ही कमरे में बैठकर लाइव कर रहा हूँ, ये पीछे आप अलमारी देख रहे हैं ये उनकी ही है। तो उनके पास जो किताबें आती थी वो पढ़ जाता था। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब 92-94 की बात है, तो मुझे लगा कि ये ऐसा मैं भी लिख सकता हूँ। और शुरू में मैंने लिखा तो बहुत, मैं अज्ञेय और शमशेर की नकल पर संक्षिप्त कविताएं लिखता था, जिनमें जान नहीं होती थी, बस वो कविता की पैरोडी जैसी होती थी। जी। और मेरे भाई को भी लगता था कि ये कविता ही लिखेगा आगे जाकर, अगर साहित्य में कुछ करेगा। तो वो मुझसे कहते थे कि तुम देखना, तुम कविता ही लिखोगे। तो मैं बोलता था पता नहीं क्या, फिर लिखने लगा धीरे धीरे, सीख रहा हूँ अब, हो सकता है कभी ना कभी अच्छी लिख लूँ, ये सब ऐसा ही कब की हो बात रहा है जो आप बता रहे हो? ये लगभग है। समय ये मतलब मेरा जन्म 69 का है ना, तो किताबें मुझको बचपन से ही मिलती रही पढ़ने को भाई की वजह से, क्योंकि भाई 10 साल बड़े हैं। तो अच्छी, वो हमेशा किताबें और पत्रिकाएं मंगाते थे, तो इस कारण वो वातावरण तो शुरू से मिला मुझको। लेकिन लिखने की शुरुआत मेरे ख्याल से मैंने 92 में की, तो ऐसी कच्ची पक्की लिखता था। फिर बाद में मुझे समझ आया कि दूसरे के जैसा लिखने से कुछ नहीं होता, तो उस मुहावरे से बाहर निकलना और ये सब हुआ। तो वो सबके जीवन में होता है, हम शुरू में जिससे प्रभावित होते हैं उसकी ही नकल करने लगते हैं, कम से कम मेरे मामले में तो ये है। फिर धीरे धीरे अपनी एक आवाज विकसित होती है, और उसमें भी बहुत सारी आवाजें शामिल होती हैं, जो पूर्वज कवियों की आवाजें हैं, प्रिय कवियों की आवाजें हैं, और संसार की जी बाकी आवाजें भी चलती ही रहती है। वैसा ही है मेरे साथ भी, जैसा सबके साथ होता है। लेकिन भाई की वजह से ही मैं आ पाया इसमें। कोई भी जब लिखना शुरू करता है, कोई भी लेखक, कोई भी युवा जब लिखना शुरू करता है, उस पर प्रभाव होता है, तो वो प्रभाव से कैसे बाहर हो या प्रभाव से कैसे बाहर जाए कि भाई उसके प्रिय कवियों का, प्रिय लेखकों का प्रभाव उस पर होता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है कि उससे बाहर चले जाए या अपनी भाषा को, अपने देखिए, शिल्प को प्राप्त कर ले? पहले जो कविता निकलती है जो प्रभाव से, वो कविता कविता से निकली हुई कविता होती है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज कवि ने या हमारे प्रिय कवि ने अपने अपनी संवेदना और जीवन अनुभव और अपनी कल्पना और अपने सपने से जो हासिल किया, उन सबको मिलाया, हर चीज में हम अपना सपना भी मिलाते हैं ना, तो उससे उसने कविता लिखी। तो बिल्कुल बिल्कुल हम उस जीवन अनुभव से गुजरे बिना सिर्फ उस कविता के जरिए कुछ करना चाहते हैं, फिर हमें बाद में समझ आता है कि इस कविता का स्रोत या इसका उत्स जो है वो हमारा हृदय है, हमारा सपना है, हमारा संसार है, हमारी प्रेरणाएं, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं, विश्व दृष्टि, दुनिया को देखने की हमारी समझ, ये सारी चीजें है ना। तो फिर हम शिफ्ट करते हैं कि हमारे अनुभव कैसे हैं, ये किस किस्म की कविता को जन्म दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, या कोई ये कलात्मक अनुभव है भी नहीं है या नहीं। तो इस ढंग से एक द्वंद्वात्मक रिश्ता बनता है संसार से और अपने आत्म से और अपनी कल्पनाओं और अपने ड्रीम्स के साथ। तो और उसमें हमारे भाषा के संस्कार, हमारा अभ्यास और हमारी समझ, बहुत सारी चीजें काम करती है ना। वो तो कवि का डार्क रूम है, उसमें कवि को भी पता नहीं होता कि वो कौन से रसायन मिलाकर क्या बना रहा है। बहुत जी कम ही जी कवि को भी बिल्कुल अंदाजा होता है इस चीज का। तो कोई ये सायास अपनी कविता लिख ले, ये भी मुश्किल है, और कोई अनायास किसी कौंध में कविता लिख ले, ये भी मुश्किल है। ये उसके बीच की कोई चीज होती है, जो मेरा अनुभव है। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं उबड़ खाबड़ ढंग से अपनी बातें कह रहा हूँ, तो वो ये बात है।
सही सर, मैं तो आपका कविता का अनुभव तो बहुत लंबा रहा है, साहित्य के विद्यार्थी तो आप वो कह रहे हैं, लेकिन कविता को आपने लंबे समय तक कविता को लिखा है, पढ़ा है, जाना है। तो एक जो धारणा है कि भाई कवियों के बारे में या कविता के बारे में कहा जाता है कि भाई जो एक अमेरिकन कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अलग कवि होना एक स्थिति है, या कवि जन्मजात होता है, या कविता लिखना सीखा जा सकता है कि सर, या कविता कवि पहले ही जन्मजात होता है, या कविता एक अभ्यास के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। तो आपकी दोनों से मिली जुली राय क्या हो? मेरी राय ये है कि अभ्यास करके कविता को अच्छा बनाया जा सकता है, अगर आपकी रुचि है उस ओर तो। और प्रेरणा का भी उसमें हिस्सा होता है, काव्य दशा का भी होता है, आपके सपनों का भी होता है, लेकिन उसको मांझा जा सकता है। मैं कविता को दूसरी ही कलाओं की तरह ही देखता हूँ कि जैसे जी गायन है तो ख्याल गायक है, वो रियाज करता है तब अच्छा गाता है, वो किसी कला के क्षण की प्रतीक्षा नहीं करता कि गोंद उतरेगी और मैं गायक हो जाऊंगा। नर्तक है वैसा ही करता है, चित्रकार भी करता है, सारी कलाएं अभ्यास मांगती हैं, तो साहित्य उससे अछूता नहीं है। और साहित्य का अभ्यास क्या हो, इस पर अलग अलग राय हो सकती है कि कुछ के लिए साहित्य पढ़ना और उसको समझना अभ्यास है, कुछ के लिए उसको बार बार लिखना और उसमें से चुनिंदा चीजों को प्रकाशित करना ये अभ्यास है, बिल्कुल और कुछ के लिए ये हो सकता है कि पूरे संसार को समझना और अपने आप को समझना, अपने ड्रीम्स को समझना, एक रागात्मक संबंध बनाना संसार से। और जो अप्रकट है, जो संसार में सबको दिखाई देता है, क्या उसके पीछे भी कोई संसार है, या संभावनाओं और सपनों से भरा कोई ऐसा प्रदेश है क्या जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है और उसे मुझे शेयर करना चाहिए। जी अगर हम निरंतर इस जद्दोजहद में रहते हैं तो कविता सुधरती है और बेहतर होती है, कविता को बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए, और इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कविता उतरेगी तब मैं उसे दर्ज कर लूंगा। जी प्रेरणा जी भी उसी के बिल्कुल पास आती है जो प्रेरणा की ओर कुछ कदम चल कर जाता है। जी बिल्कुल मतलब ये मेरी राय है, कोई ये सिद्धांत नहीं है, मैंने जैसे सीखा है मैं वो हाँ बता रहा हूं। जी जी बिल्कुल सर, आप लंबे समय तक कविता लिख रहे हैं, तो कविता में जो कविता एक पहले ड्राफ्ट में लिखी जाती है, या आप कविता को बार बार ड्राफ्टिंग बार बार एडिटिंग करते हैं, तो आप किस तरह से कविता के बारे में वो करते हो? जैसे पहले भी आपके कोई विचार आइडिया या कविता पर आप जो लिख रहे हो, तो कविता में एक तो आप मुझे थोड़ा सा ये समझाने, मैं भी समझ ही रहा हूँ आपसे आपके अनुभवों से, कि कविता में एडिटिंग की भूमिका क्या है, या पहले ड्राफ्ट में कविता बनी हुई कैसी है, उस तरह से उसके बारे में बताया सर। देखिए, मेरे साथ जो होता है, मैं कैसे कविता लिखता हूँ ये मैं बता सकता हूँ आपको, उसमें से जी कुछ के उदाहरण बता सकता हूँ कि जैसे पहले मुझे कोई एक पंक्ति सूझती है या कोई एक किसी दृश्य का एक हिस्सा, मुझे लगता है कि इसके आसपास कोई कविता है, या कोई स्मृति का टुकड़ा या कोई सपना, उसमें मुझे लगता है कि कहीं पर है इसमें कविता, और कई बार मैं उसे दर्ज कर लेता हूँ, कई बार उसे जाने देता हूँ, तो फिर वो किसी सघन क्षण में या एकाग्रता के क्षण में वो कविता आकार लेती है। लेकिन लिखते समय मैं एक कविता एक बार में पूरी लिखने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं होता कि मैं कविता पे काम कर रहा हूँ 6 महीने से कि 2 लाइन आज लिखी फिर 1 महीने के बाद 2 लाइन लिखी, वो मेरे बस की बात नहीं। अगर मैं लिखता हूँ तो एक बार में पूरी कविता लिखता हूँ, और ऐसे भी मेरी कविताएं छोटी होती हैं, वो बहुत ज्यादा समय की मांग नहीं करती हैं, एक आध पेज में खत्म हो जाती है आमतौर पर मेरी कविताएं। तो उसको एक तो मैं हाथ से लिखता हूँ पेन से, कॉपी पे सीधा टाइप नहीं करता, और उसके बाद मैं थोड़ी एडिट करता हूँ, उसको देखता हूँ कि कौन सी पंक्ति यहाँ के बजाय वहां होनी चाहिए, कोई अनावश्यक विवरण हटाता हूँ, कोई एक शब्द जोड़ता हूँ जो उसमें उसके अर्थ में और उसके विस्तार में वृद्धि करे, ये करता हूँ मैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। प्रारंभिक ड्राफ्ट में अगर आप प्रतिशत में कहें तो 10% भी अगर चेंज हो गया तो बहुत है। फिर टाइप करते समय हो सकता है थोड़ा और बदलाव आए, लेकिन बहुत नहीं, एडिटिंग बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है सर। लेकिन अगर कोई आगे हम थोड़ा, ये करता है कि बार हाँ बार एडिटिंग करता है और एक लंबे अंतराल में कविता को धीरे धीरे पूरा करता है, तो मैं उसको उसकी प्रक्रिया मानता हूँ, मुझे उसमें कोई निर्णय नहीं है मेरा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिससे जैसा सधे जो भी कला,
वो वैसे ही करेगा उसको। ये तो बहुत स्वतंत्र जगह है ना, और सबके लिए अद्वितीय ढंग से आती है कविता। पूछना चाह रहा था कि आपका लगातार मैंने भी आपको देखा है, आपका पेंटिंग में आपकी गहरी रुचि है, तो पहला जो जो कला के प्रति आपका जो पहला प्रेम कविता रही या पेंटिंग रही, या पेंटिंग से कविता या कविता से है? पेंटिंग, पेंटिंग पहला प्यार पेंटिंग ही है। पेंटिंग पहला मुझे प्रेम। बहुत पसंद है पेंटिंग। पेंटिंग और कविता का सफर ना बिल्कुल अलग है। पेंटिंग में यातना नहीं है और बिल्कुल कविता में हो सकता है ना बहुत यातना हो। तो कविता लिखना सुख का काम नहीं है, मतलब उसमें दर्द आंसू और सपने सब कुछ है और खुशी भी है, लेकिन पेंटिंग मुझे हमेशा उल्लास से ही भरता है, बहुत आनंद आता है उसको पेंटिंग कर। लेकिन दोनों से मेरी मुक्ति नहीं है, वो करना ही पड़ता है, तो दोनों करता हूँ। जैसे कोई ऐसी कविता जिसमें पेंटिंग हो? साफ नहीं आ रही आप। नहीं, ऐसी कोई कविता नहीं है मेरी, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, अगर बताएंगे तो मैं खोज के सुना दूंगा। ऐसी कोई कविता मुझे याद नहीं आ रही है, बल्कि कुंवर नारायण की एक कविता है, उस पर पाब्लो पिकासो की पेंटिंग गुवर्निका पर, वो पढ़ी थी मैंने। और अनीता वर्मा है हमारी प्रिय कवित्री, उनकी बहुत सारी कविताएं हैं चित्रों पर, वान गॉग के आत्मचित्र से बातचीत, ये सब। मेरी ये कविता नहीं है चित्रों पर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर, कि जैसे कि आप अभी भी अंबिकापुर में रहते हो, तो एक कवि के जीवन में अपने परिवेश में रहना या वहीं पर रहना, तो वो किस तरह से हमारी कविताओं में आता है, या किस तरह से हमारी कविता संसार को निर्मित करता है? जैसे मैं पलायन कर गए या कहीं नई नई जगह पर रह गए, लेकिन आप अपने कविताओं में आप वहां रहते हो, तो आपके अंबिकापुर का या आसपास का छत्तीसगढ़ का वो क्या मतलब, एक एक परिवेश की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? हमारी जो भाषा है और हमारे जो भाषिक संस्कार हैं या बाकी जो स्मृतियां हैं, उसमें स्थानीयता का, कहाँ हम रहते हैं, कैसे लोगों के बीच रहते हैं, वो संसार कैसा है, उसका तो एक सक्रिय योगदान होता ही है। जो हमारी भाषा और अभिव्यक्ति है, वो हमारे परिवेश और हमारे पर्यावरण से स्वतंत्र कोई चीज़ नहीं है ना। जी तो अगर किसी जगह पर हम अधिक रहते हैं तो उस जगह को ज़्यादा जानते हैं, तो स्थानीयता का ज्यादा असर होगा उन कविताओं में। लेकिन जो कवि कहीं और जाते हैं, वो उस संसार को एडॉप्ट करते हैं, फिर वहाँ के अनुभव और अपने अपने जगह की स्मृतियाँ, ये उनका रसायन होती हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता होगा, क्योंकि मैं यहीं रहा, इसीलिए मुझे ये बाहर के बारे में बहुत आधिकारिक ढंग से कुछ बोलने का समझ भी नहीं आता कि मैं बाहर रहता तो कैसा होता, या बहुत समय बाहर रहता, ये मामला है। हमारी कविता हो या हमारी भाषा हो, वो तो वैसे ही बनती है। हाँ, मैं सर एक बार आपका एक व्याख्यान सुन रहा था, शायद रजा फाउंडेशन की एक श्रृंखला थी, उसके तहत में कि स्मृति स्मृति और कविता, तो मैं उसी सवाल को लेना चाह रहा था कि जैसे कि आपकी कविताओं में स्मृति या कभी कभी प्रागैतिहासिक शब्द या मनुष्य की बहुत नजदीक की जो स्मृतियां है, स्मृति की क्या भूमिका है, या स्मृति से कवि कविता बनाई जा सकती है? हाँ, कविता ही नहीं, हम लोग जो हैं, हम जो भी हैं, हम अपनी स्मृति ही हैं, हमारी चेतना ही स्मृति है, स्मृतियों से ही बनी है। आप इस चीज की कल्पना कीजिए कि पिछला आपका पूरा जीवन इरेज हो जाए आपके ब्रेन से, तो आप बिल्कुल क्या करें? आप न किसी को पहचान पाएंगे, न वस्तुओं को जान पाएंगे कि ये क्या चीज है, ये कलम किस काम आती है, इसका नाम क्या है। आपको नए सिरे से संसार शुरू करना होगा। किसी भी चीज को आप इसलिए पहचानते हैं क्योंकि उसकी एक पहचान आपकी स्मृति में बनी हुई है, उसकी संज्ञा आपकी स्मृति में है, उसका फंक्शन आपकी स्मृति में है। तो स्मृति की बहुत बड़ी भूमिका है, हम लोग स्मृतियां ही हैं, मुझे लगता है। मेरा आपसे आग्रह है कि कुछ अगर आपकी कोई ऐसी
मैं तो चाहता हूं कि आपकी मैंने कविताएं लगातार मैं पढ़ता रहा, कि नई कविताएं भी जो अभी आई है समालोचन में, कुछ आपने कुछ नई कविता एक दो लिखी है या कुछ असली कविता है जो आप सुनाना चाहते हो, तो कुछ श्रोता यहाँ पर लिख रहे थे तो कमेंट में, तो एक दो कविता आप पढ़ना चाहे तो जो भी आपकी पसंद है तो वो आप भी। हाँ, अगर आप कहें तो मैं किताब में से सुना दूं या तो अप्रकाशित कविताएं सुना दूं, जो आप कहें। हाँ बिल्कुल सर, सुनाइए कविता। बिल्कुल जी, किताब से ही सुनाता हूँ। हाँ चश्मा लगाना पड़ेगा। एक कविता है, इसका शीर्षक है जैसे कि जीव द्रव्य। जैसे कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब कोशिका के भीतर की एक चीज होती है ना, जिससे कोशिका का जीवन बनता है इस तरह। तो ये है। अपनी उंगलियों से मेरी हथेली पर लिखो वह शब्द, कोई नाम लिखो, फिर मुझे एक फूट शब्द लिखने दो अपने हाथ पर या पीठ पर कहीं भी, फिर एक चुंबन लिखो एकाकी चांद पर, ताकि मैं फिर से उसी जगह पर उन्हीं अक्षरों पर दोहरा कर लिख सकूं अपना चुंबन। आकाश कहाँ लिखा है, मेरे या तुम्हारे वक्ष पर? अब इस आकाश पर एक सूर्य लिखो, अनगिनत तारे, बादल और हवा लिखो, और मुझे आंकने दो अपने हिस्से की आकाश गंगा। फिर मेरे माथे पर अपना भाग्य लिखो, मैं तुम्हारे माथे पर पढ़ूंगा अपना भाग्य। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए एक जीवन लिखो, शुरुआत में मेरी पहली कोशिका लिखो, और इसमें तीर से महत्वपूर्ण हिंसों को नामांकित करो, जैसे कि जीव द्रव्य। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। इस कविता का शीर्षक है धन्यवाद सुमन जी। चढ़ आया है पानी, देह के भीतर चढ़ता जा रहा है पानी, बाहर आईने में रोज परख रहा हूं मैं अपनी त्वचा का आश्वासन। एक पुराने चेहरे के लिए मेरे पास है मुस्कान का समकालीन चेहरा। कल तक जो कमर तक था पानी, आज चढ़ आया है सीने तक। सुनाई देने लगी है कानों में हराते पानी की आवाज, दिखाई देते हैं फुनगी के थोड़े से पत्ते, डूब जो चुकी है पगली झाड़ी। किसी पर्व की रात सिराए गए दीपक सी, अब भी डगमग उतराती हो आत्मा इसी बढ़ते जल। ये कविता, कविता का शीर्षक है ऐसे ही वसंत में चला जाऊंगा। ऐसे ही वसंत में चला जाऊंगा, इन्हीं फटेहाल कपड़ों में, जूतों की कीचड़ समेत, पराग कणों की धूल में, नथुनों की सुरसुराहट रोकता, ढूंढने लगूंगा कोई रंग। वहां खूब पीला नहीं दिखेगा तो निराश जूते पर जमी धूल पर पीला लिखने के लिए झुकूंगा, रुक जाऊंगा। किसी उदास वृक्ष की तरह ऐसे ही झुका रहूंगा, किसी दूसरे मौसम में सर उठाऊंगा, कोई पत्ता उठाऊंगा आगे की लू भरी दोपहरों से, धूप के दरवाजे में भी ऐसे ही घुस जाऊंगा। कुछ भी नहीं बदलूंगा, कुछ बदलेगी तो कंधों पर गिरती बारिश ही बदलेगी, बारिश से बाहर कभी नहीं आऊंगा। ये एक कविता वाह थी, ऐसे ही वसंत में चला जाऊंगा। वाह, अद्भुत कविता सर, बहुत बढ़िया कविता। मैंने, हाँ ये कविता मुझे भी बहुत प्रिय कविता है। एक कविता समालोचन में मैं पढ़ रहा था सर, वो कविता कविता जो थी कि आपने जो रोस्तम सिंह जो कवि है उनके लिए गुड्डन भी, वो कविता हो हाँ तो वो सर, हाँ गुड्डन भी के लिए चिट्ठी, वो कविता मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और कविता उपलब्ध हो तो सभी के लिए उस कविता को सुना दीजिए। वो अभी मुश्किल है सुनाना, क्योंकि वो इसी मोबाइल में है दरअसल। चलो कोई नहीं सर। हाँ सर, कविता के बारे में और बातचीत कर लेते हैं। कविता के बारे में मुझे सर एक बात है आपको, हाँ जैसे कि आपने कविता को पढ़ते रहे लगातार, आप कविता के बारे में 20 कविता को आपने पढ़ा है, तो आपके भी कुछ प्रिय कवि रहे हैं, तो शुरू शुरू में आप भारतीय और विश्व कविता में जो प्रिय कवि है, प्रिय लेखक है, उन कवि और लेखकों के बारे में थोड़ा बताइए कि मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो ये कवि आपको खास तौर से प्रिय रहे हैं। अच्छा, जैसे हिंदी में जो मुझे प्रिय कवि हैं उसमें से कुछ का नाम ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ छूट जाए, क्योंकि स्मृति का बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता ना। तो जैसे राजकमल चौधरी की कविताएं मुझे पसंद है, त्रिलोचन की बहुत जी पसंद है, और
रघुवीर सहाय की पसंद है, विष्णु खरे की पसंद है, असद जैदी की जी पसंद है, देवी प्रसाद मिश्र की पसंद है, और अनीता वर्मा की बहुत ज्यादा पसंद है मुझको, सविता जी की कविताएं पसंद है, प्रभात हैं हमारे साथी, उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है, मोनिका कुमार की कविताएं मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत कवि हैं, मतलब मैं जितना भी नाम लूंगा उससे ज्यादा छूटेंगे। जी और जो दूसरी भाषाएं हैं, जैसे उसमें मलयालम में मुझे के सच्चिदानंदन की कविताएं बहुत पसंद है, हिंदी अनुवाद में पढ़ा है, और मराठी में दिलीप चित्रे की कविताओं का अनुवाद पढ़ा है, वो बहुत पसंद है। जी बंगला में बहुत कवि मेरे प्रिय हैं, जैसे बिल्कुल नीरेंद्रनाथ बताइए चक्रवर्ती सर। हैं, जी नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती हैं, शंख घोष हैं, शक्ति चट्टोपाध्याय हैं, और वो जीवनानंद दास हैं, और जय गोस्वामी हैं अभी नए लोगों में, और नवनीता देवसेन हैं, इन सबकी कविताएं बंगला में बहुत पसंद है। उड़िया में जैसे सीताकांत महापात्र की कविताएं पसंद है, इस तरह का है, बहुत सारे कवि हैं, बहुत प्रिय कवि हैं, कई हैं। बिल्कुल विश्व कविता में पोलिश कविताएं पसंद है मुझको, और अनुवाद मिलते हैं तो पढ़ता हूँ मैं कुछ कुछ, कर उसमें कुछ पसंद आते हैं कुछ नहीं भी आते, चलता रहता है। जैसे तेजी जी ने और रुस्तम ने बहुत सारे नॉर्वे और स्वीडन की कविताओं का अनुवाद किया है, बर्फ की खुशबू नाम से एक संग्रह, वो मेरा पसंदीदा संग्रह है। जी और एक विश्व कविता का चयन है अशोक वाजपेयी का किया हुआ, पुनर्वसु के नाम से है, उसमें अलग अलग हमारे ही देश के कवियों ने विश्व कविताओं का अनुवाद किया, वो संग्रह मेरे पास रहता है हमेशा। अभी सेतु से आया है, नहीं संभावना से आया है शायद, वो 3 वॉल्यूम में एक तनाव पत्रिका आती थी पहले विश्व कविता से अनुवाद की, उसके 100-150 लोगों को हाँ एक जगह जमा किया गया है, तो उसमें हजारों की तादाद में कविताएं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, तो ऐसे चयन है बहुत सारे, उनको मैं पढ़ता रहता हूँ जब तक, और बार बार पढ़ता हूँ मैं अपनी प्रिय कविताओं को, वो पढ़ना कभी पूरा नहीं होता, हर बार नया होता है। अक्सर ये इस बात को सोचता हूं कि जैसे कि हमारी जो कविता है, कविता के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, तो कविता में एक जैसे कि आज के समय में बहुत सारे संकटों में एक संकट ये भी है, प्राकृतिक संकट। और प्राकृतिक प्रकृति और मनुष्य का जो रिश्ता है, कि सह अस्तित्व का रिश्ता रहा है। लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछने का एक मेरी जिज्ञासा है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे कविता के केंद्र में मनुष्य की गतिविधियां है, मनुष्य है, और प्रकृति उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि प्रकृति के साथ में मनुष्य का जो व्यवहार रहा है, उस पर कोई बहुत ज्यादा कविता प्रसन्न चिन्ह खड़े नहीं करती है। जबकि आजकल आज के समय में तो बहुत सारी समस्याओं में एक प्राकृतिक संकट भी है उस तरह से, जैसे कि नहीं मैं सर मेरा सवाल जैसे कि छायावादी कविता में प्रकृति को रोमानित भाव से देखा गया है, लेकिन आजकल की कविता में कि जो प्रकृति के साथ में जिस तरह से उसका दोहन हुआ है, तो उस पर बहुत कम कविताएं या मनुष्य के चरित्र पर बहुत कम सवाल उठाए गए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि कविता के केंद्र में प्रकृति कम है या मनुष्य का ऐसा व्यवहार कम है? अभी आपके कहने पर मैं इस बारे में सोचना शुरू कर रहा हूँ, तो जो बात शुरू में आ रही है वो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर कवि नगरों में रहते हैं, तो आधे से अधिक, तो एक ढंग से वो प्रकृति से उनका वैसा साक्षात्कार नहीं है जैसा प्रकृति के आसपास रहने वाले लोगों का है, तो मेरे ख्याल से वो जी संकट को भी उतने अच्छे से नहीं समझते। और दूसरी बात ये है कि जितनी समस्याएं हैं मनुष्य के द्वारा पैदा की गई या संसार में, उनमें से किस समस्या को कविता एड्रेस करे और किसको छोड़ दे, और उसके लिए क्या उस क्षण महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय करना बहुत मुश्किल है। कवि को ये नहीं कहा जा सकता कि आप प्रकृति पर जो मनुष्य का अत्याचार है उस पर कविता क्यों नहीं लिख रहे, जी अगर वो बिल्कुल लिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि बिल्कुल जब संसार में बहुत संकट आया हो, परमाणु बम गिरा हो और चारों तरफ लोग मर रहे, और कवि को अपनी प्रिया की याद आ रही है, उसे अपना कोई सपना याद आ रहा हो और वो उसकी हाँ कविता बिल्कुल लिखे, तो क्या कर सकते हैं इसमें आप? जी बहुत उसे हाँ अनैतिक और सामाजिक पक्षधरता की उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितनी एक आम नागरिक से हम करते हैं, और जितना एक आम नागरिक करता है, कभी भी वैसा ही सताया हुआ नागरिक है जैसे बाकी लोग।
एक जैसे मुझे एक सवाल का और, जैसे कविता ने भी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं, या सोशल मीडिया का साहित्य पर क्या प्रभाव है सर? कि जैसे कि कविता पे नहीं, मैं साहित्य का इसका नुकसान हुआ है? कभी कभी मैं ये देखता हूँ कि हिंदी कविता में कोई क्या लिख रहा है, मतलब हिंदी जो कवि है और लेखक है एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें करते रहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, जबकि साहित्य मुझे जैसे बहुत सारे नए, मुझे मुझे भी ये लगता है, बहुत सारे नए को भी ये लगता होगा कि इस तरह की बातें होने की बजाय साहित्य पर हमें काम करना। सोशल मीडिया का किस तरह से आप नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखते हैं सर? देखिए, सोशल मीडिया से ना चीज़ें बहुत तेज़ी से फैली हैं, नए पाठक मिले हैं। और पहले जब प्रिंट का ज़माना था, इसके पहले तो गिनी चुनी पत्रिकाएं थीं, उनकी सीमाएं थीं कि वागार्थ हो या कोई भी पत्रिका हो, ज्ञानोदय हो, हंस हो, कथादेश हो, साक्षात्कार हो, तो उसके पास 100 या 150 पृष्ठ होते थे, उसमें से 7-8 पेज कविता के लिए होते थे। तो जी संपादक चाह कर भी बहुत कविताएं नहीं प्रकाशित कर पाते थे। अभी जो कवि है या जो लेखक है, वो उसको प्रतीक्षा नहीं करनी है किसी के निर्णय की, वो खुद ही अपना प्रकाशक है। अगर वो कोई ब्लॉग उसको नहीं जी छापता है, कोई वेब मैगजीन नहीं छापती है, तो वो उसको इंस्टा पर, फेसबुक पर पब्लिश कर सकता है और उसको इंस्टेंट ओपिनियन मिलता है। और जी लिखने के बाद उसको प्रतीक्षा नहीं करनी है, उसने लिखा, प्रकाशित किया, राय मिली, वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। तो जो टेक्नोलॉजिकल क्रांति है या जो बदलाव है, वो एक जी अवश्यंभावी चीज़ है, आप उसे कतरा कर नहीं निकल सकते। वापस आप गुफा युग में नहीं जा सकते, वापस आप प्रिंट युग के नॉस्टेल्जिया में नहीं जा सकते। ये चीज़ है, ये सामने है और ये हमारे जीवन को बदल रही है। अब आपको इससे कैसा रिश्ता रखना है, जी या आपको समय खराब करना है, नुक्ताचीनी करनी है, या इसका क्रिएटिव इस्तेमाल करना है, ये आप पे है। हाँ तो ऐसा हमेशा से रहा है, पत्रिकाओं में भी पहले खराब चीजें छपती थीं और अच्छी चीजों पर खराब राय आती थी, ये चलता रहा है। लेकिन उसकी मात्रा बढ़ी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सारा कुछ आंखों के सामने है। आपके 5,000 दोस्त होंगे फेसबुक में, आज से 20 साल पहले हम ये सोच सकते थे क्या? 7-8 दोस्त होते थे ना, जी जिनमें से एक दो को हम कविताएं सुनाते थे। तो वो संसार फैला है, तो प्रतिक्रियाएं भी फैली हैं और नकारात्मक चीजें भी उसी मिकदार में हमको सामने दिखाई दी। लेकिन अच्छी चीजें बहुत ज्यादा हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप फोकस करें। अच्छे जैसे कवि हैं, अच्छे कवि हैं जिनसे आप सीधे संवाद कर सकते हैं। उन जी कवियों के बिल्कुल बारे में हम लोग अंबिकापुर जैसे कस्बे में सपना देखते थे कि कभी बिल्कुल मंगलेश डबराल से मिलेंगे तो ऑटोग्राफ लेंगे। तो फेसबुक पे थे तो धड़ाक से वो लिखते थे, हम देख लेते थे, हम भी उस पे लाइक बना देते थे। तो हाँ बहुत जीवंत हो जाता था ना वो रिश्ता, वो पास बिल्कुल आया है, संसार पास आया है एक दूसरे के। तो जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी बुराइयां उसके साथ पैदा होती हैं। तो वो अपने पे, हमको क्या लेना है उसमें से और क्या नहीं लेना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सर, मैं और मेरी जिज्ञासा के लिए ये जानना चाह रहा हूं, जैसे कोई कवि आप पे है या कोई कवि महत्वपूर्ण कवि हिंदी की कविता लिख रहा है, लेकिन जैसे कि उसकी कविताओं को जो पाठक मिलते हैं, तो उसकी एक किताब, एक महत्वपूर्ण किताब हो सकती है हमारे समय की, लेकिन उसको 1,000, 2,000 या 5,000 प्रति बिकती है या उस तरह से पहुंच रही है, या गंभीर पाठक उस कविता को तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ रहे। जैसे हिंदी भाषा की तो एक बहुत बड़ी आबादी है, तो मैं आपको आपके व्यक्तिगत अनुभव जानना चाह रहा हूं कि आप इससे, आपको कभी ऐसा लगता है या कभी ऐसी हताशा या निराशा होती है कि कविता की रीच बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, या ऐसा ऐसा कम कारण क्या है कि कविता की रीच इतनी कम है कि भाई बहुत कम कविता की किताबों को पढ़ते हैं? कविता की रीच बहुत अधिक बढ़ी है अभी तो। आप बहुत अगर अधिक है। इसका आपको अंदाजा लगाना है ना, तो आप कविता कोश पर जाइए और देखिए कि जो अच्छे कवि हैं उनके जी पेजेस पे कितनी बार विजिट किया गया है, बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिएगा। हम जी
लाखों लाख बार लोगों ने देखा है अच्छी कविताओं के पेज को, और अभी जितनी किताबें छप रही हैं उतनी तो कभी नहीं छपी, कभी नहीं छपी ऐसे। पहले तो बड़ी बात होती थी किताब छपना किसी की, अभी तो हमारे जितने साथी लिख रहे हैं और जैसे ही संग्रह लायक कविताएं होती हैं उनके पास, उनको कोई ना कोई प्रकाशक मिलता है, और उनकी उनकी पहुंच और उनकी मार्केटिंग और कविताओं की गुणवत्ता, बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में मिलकर प्रसार संख्या का निर्माण करती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ज्यादा कविताएं पढ़ी जा रही हैं और उससे भी ज्यादा लिखी जा रही हैं, उससे भी ज्यादा लिखी जाती है। बहुत लिखी जा रही हैं और बहुत तेजी से प्रसारित हो रही हैं। कविताओं पर बहुत बात हो रही है, ज्यादातर आयोजनों के केंद्र में कविता ही है। आप देखिए, अगर आप फेस्टिवल्स देखेंगे फिर सर आप एक, हाँ मैं आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लिखी बहुत जाती है, जैसे कोई भी कविता बहुत लिखी जा रही है, तो एक पाठक जो आम पाठक है कैसे अच्छी कवि तक पहुंचेगी, उसको कैसा पता चलेगी ये कविताओं के साथ में कि मुझे यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए, या ये महत्वपूर्ण कवि है उस तक मतलब पहुंच जाना चाहिए, तो ये पढ़ते पढ़ते होता है या अचानक से किस तरह से मतलब। ये तो पढ़ते पढ़ते ही होता है। पाठकीय विवेक का निर्माण तो पाठक का काम है ना, कि उसको कैसा हाँ जी पढ़ना है और आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। कि अगर उसने किसी कविता को पढ़ा, फिर उसके कुछ प्रतिमान होंगे ना अच्छी कविता के, तो वो उसकी ओर तो खुद ही बढ़ता है। हम लोग सब ऐसे ही हैं कि अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स से आगे बढ़ते जाते हैं और कविताओं को पढ़ते हैं, उसमें से कुछ हमारे प्रिय कवि होते हैं, कुछ विश्व कवि होते हैं। तो पाठकीय विवेक का जो निर्माण है वो भी एक साझी कार्यवाही है, कि जितना वो लिखे हुए को पढ़कर होता है उतने ही पाठक का भी उद्यम उसमें लगता है। दो जी बिल्कुल तो चीजें होती हैं, जैसे कुछ कविताएं उनके पास प्रचार से आती हैं, तो फिर वो पहले उसको पढ़ता है, फिर उसका मन कहता है कि यार इसका प्रचार तो बहुत था लेकिन उतनी अच्छी लगी नहीं। फिर उसको कोई बहुत अलक्षित कविता मिलती है जिसकी बहुत बातचीत नहीं हो रही है लेकिन वो उसके मन को छू जाती है, तो उसको लगता है ये अच्छा कवि है, मुझे पसंद है, तो उसको और खोजता है। तो ये एक साझा उपक्रम है बिल्कुल कि कविताओं की साझा। उपलब्धता और पाठक का प्रयास, उससे ही पाठकीय विवेक बनता है। हाँ सर, हाँ मैं एक और, अभी मैं आपकी कविताओं और आपकी किताब के बारे में, अगले जैसे 2018 में आपका रजा फाउंडेशन के सहयोग से धूल भरी धूल की जगह कविता संग्रह आया, यार बहुत मुझे लगता है कि बहुत संग्रह का बहुत स्वागत हुआ, और गंभीर पाठकों ने उस कविता संग्रह को लगभग मैंने जितनी जगह पढ़ा उसकी बहुत प्रशंसा भी कविता संग्रह की हुई। अगली किताब के बारे में आपकी कि मतलब जल्दी आने वाली है, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं या आपके पाठक क्या उम्मीद करते हैं कि अगली अभी किताब कब तक आए। मेरे पास पर्याप्त कविताएं हैं जिससे संग्रह आ सकता है, लेकिन अभी जी मैंने इस दिशा में कुछ किया नहीं है कि पांडुलिपि तैयार करना और उसको भेजने के बारे में सोचना। अभी मेरी योजनाओं में वो शामिल नहीं है, अभी नहीं है, अभी मेरा मन नहीं है और अभी मेरे पास अवकाश भी नहीं है कि मैं कोई संग्रह तैयार करूँ और उसको पब्लिश कराऊँ, और हो सकता है बाद में कभी हो, लेकिन अभी तो नहीं है ऐसा। अंत में सर कि काफी हमें समय हो गया है, आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा सबको आवाज सुनाई दे रही है, मुझे कम सुनाई दे रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी पसंद से कोई भी संग्रह से कविता सुनाए या कोई नई कविता सुनाए। मैं तो चाहता हूं कि आप कोई नई कविता सुनाए, लेकिन आप चाहो तो संग्रह से भी कोई एक कविता सुनाकर हम। एक मेरा जन्मदिन आया था, तो उस दिन जी बधाइयों और शुभकामनाओं के बीच में मैंने ये जी कविता लिखी थी, इसका नाम है जी जन्मदिन का गीत। जन्मदिन का गीत ये कॉपी पे लिखी हुई है, तो हो सकता है मैं थोड़ा अटक जी कर पढूं। जी एक साल में चीजें अधिक दिखने लगती हैं, कम हो सकता है देखने का उत्साह, नजर बहुत पास से लौट आती है, सबसे पास से, जैसे अपने सबसे छोट अपना सबसे छोटा स्वार्थ। एक साल में एक साल की धूल जमती है, पिछले किसी भी साल से अधिक होती है वह, उस पर लेटना होता है इस एक दिन के लिए, ऐसे कि फर्श पर कमरे के फर्श पर अपना एक अक्स तो बन ही जाए। एक साल में आवाज में खरखराहट बढ़ जाती है, उसी उसी संगीत पर लौटना होता है बार बार, कितने सीमित संगीत ने साल भर बांध कर रखा, कितने हमनवा छूट जाते हैं एक साल में,
कुछ मृत्यु में छूट जाते हैं, कुछ अंधेरे में, किसी विस्मरण में, कोई किसी जल में, कुछ डूब जाते हैं झील में। देखो ये शांत झील का पानी कैसा स्थिर और शांत रहता है, जैसे सफेद रंग का कागज। कोई हवा चले इसकी त्वचा पर तो एक सिहरन तक नहीं। कॉपी पे लिखी हुई है तो बहुत स्पष्ट ढंग से मैं नहीं सुना पाया, लेकिन मोटे तौर पे आप समझ गए होंगे कि एक साल में क्या क्या होता है, उसको मैंने याद करने की कोशिश की। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया कविता और बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। अच्छी कविता थी सर, और आपकी बहुत दिनों से इच्छा थी। मैं बहुत खुश, महेश जी से मैं बातचीत करना मेरे लिए मुझे भी बहुत खुशी। एक मेरे जीवन अनुभवों को तो बढ़ाता ही है, और आप सबके लिए भी, क्योंकि हम एक हिंदी के कविता के जो बहुत महत्वपूर्ण कवि को सुन रहे थे। और मैं आज पढ़ रहा था कि जैसे कि शुरू शुरू की कविताओं पर टिप्पणी करते हुए एक गिरिराज कराड़ू जी ने लिखा था कि महेश जी की कविताएं हिंदी कविता का छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के अर्थ में नहीं है, छत्तीसगढ़ इस अर्थ में कि बेहद अनूठे शिल्प और अलग अनुभवों के साथ में उनकी कविताएं बनती है, तो इसलिए ही उनको पहचाना जाता है। और गिरिराज जो है ना, वो मेरे बहुत प्रिय कवियों में से एक है, और गिरिराज जी। किराडू उन लोगों में से हैं जिनके कारण मुझे लिखने का और प्रकाशित करने का उत्साह मिला। तो अगर आप ध्यान से जी देखेंगे, जी अगर आपने मेरा संग्रह देखा होगा, तो वो गिरिराज किराडू और चंदन पांडे के लिए है। मेरे बहुत बरसों से दोस्त हैं और उन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया है। मुझे हमेशा हमेशा संशय रहता है अपनी कविता को लेकर कि पता नहीं ये कैसी है, तो इन दोनों ने मुझे बहुत आश्वस्त किया है। तो अच्छा किया आपने उनका नाम लिया, और मैं वो हमेशा मेरे स्मरण में रहे। हाँ, तो ये थोड़ा सा हमने भी ये बातचीत करने की कोशिश की है थोड़ा सा, और जन सरोकार मंच का बहुत आभार, और यहाँ पर जो जुड़ने वाले सभी साथी है, सभी दोस्त है, उनका भी बहुत बहुत आभार। आगे भी हम इस तरह की बातचीत जारी रखेंगे और महेश जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, महेश जी का भी बहुत आभार उनसे बातचीत की। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।